Let's. So we'll be doing random variables. We have already done completed continuous and discrete. Just a quick revision and some additional things and a few questions. Okay. So let's start. ठीक है ऑलराइट सो फर्स्ट थिंग हमने रैंडम वेरिएबल का क्या डेफिनेशन पढ़ा था दैट इट कैन टेक एनी वैल्यू विद अ गिवन प्रोबेबिलिटी दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रैंडम क्योंकि उसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं है आप उसमें कुछ भी वैल्यू असाइन कर सकते हो विद अ गिवन प्रोबेबिलिटी राइट सो हमने डिस्क्रीट भी करा था कंटिन्यूस कंटिन्यूस में भी सॉ कि एक रेंज ऑफ नंबर्स ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल 0 to 1 माइनस 1 से 1 वट एवर 0 to infinity माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अ रेंज ऑफ वैल्यूज एंड डिस्क्रीट केस में हमने क्या देखा था एक स्पेसिफिक वैल्यू जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक या फिर 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक या फिर एक गिवन नंबर तक सो वी हैव डन ऑल दीज वी हैव ऑल्सो डन वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई दिस दिस इज नोन एज अ पीडीएफ है ना दिस इज नोन एज अ CDF and in case of discrete we don't use PDF we use this probability x equals to x जिसको हम लोग PMS PMF भी बोलते हैं probability mass function all right so this is also what we do now another thing हमने इसके basis पे so for example if you want to calculate the CDF वैल्यू हमने कैसे देखा था कैसे निकालते हैं आइदर यू बोलो आइदर यू इंटीग्रेट पीडीएफ फ्रॉम लेट्स से सपोज एनी नंबर लाइक माइनस इंफिनिटी टू एक्स जो भी आपका लोएस्ट पॉसिबल नंबर है एंड इफ इट्स अ डिस्क्रीट केस देन हम लोग क्या करते हैं समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू एक्स वेर योर एक्स गोज फ्रॉम अगेन माइनस इंफिनिटी टू एक्स राइट दिस इज वॉट यू हैव डन अच्छा आई शेयर माई स्क्रीन आई थिंक माई स्क्रीन इज नॉट शेयर ऑल राइट तो ये हमने किया था ठीक है नाउ नेक्स्ट थिंग्स ये बेसिक एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि क्या हमने क्या क्या पढ़ा था एंड इफ यू गाइस रिमेम्बर दैट अनदर थिंग अगर हम लोग को पीडीएफ निकालना है सीडीएफ में से तो कैसे करते हैं उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स दोनों के केसेस में बताओ सो इन केस ऑफ डिस्क्रीट क्या करते थे समेशन सो एनीथिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी थिंग इज समेशन ऑफ दैट थिंग इन टू इट्स प्रोबेबिलिटी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स और इफ इट्स अ डिसकंटिन्यूअस केस हम लोग क्या करेंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्स एफ एक्स डी एक्स यस ठीक है सो दिस इज योर एक्सपेक्टेशन अब वही एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर होता तो हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर देते एक्स क्यूब होता तो एक्स क्यूब कर देते एंड दीज वर नोन एज व्हाट दीज वर नोन एज मोमेंट्स दीज वर नोन एज मोमेंट्स जैसे ये हो गया हम लोग का M1 M2 क्या होगा हम लोग का एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ठीक है सो दिस इज इजी देख लो अब अगर मैं बोलू आप लोग को
अगर मैं बोलूँ सिमिलर ग्राउंड्स पे, इफ आई से फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल और फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, तो कैसे निकालेंगे? इफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन तो कैसे निकालोगे? इंटीग्रेशन. तो मैंने क्या बोला, एक्सपेक्टेशन ऑफ एनीथिंग इज दैट थिंग मल्टीप्लाइड बाय इट्स पीडीएफ. सो समेशन ऑफ एनीथिंग इज दैट पर्टिकुलर थिंग मल्टीप्लाइड बाय इट्स पीडीएफ अगेन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स. ठीक है ना? तो अब कुछ भी आप लोग को अगर मिल जाए, आप अगर आपको बोले कि आप एक्सपेक्टेशन ऑफ कोई भी एक रैंडम, कोई भी कुछ भी, मतलब कुछ भी फंक्शन का ले लो, जी एक्स लेट अस सपोज इज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स. ठीक है, जी एक्स इज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो उसका अगर निकालने बोला जाए तो भी आप लोग क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो. इज इट अंडरस्टूड? क्लियर? इजी? ठीक है. क्लियर? अब एक एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स सपोज इफ आई टेल यू कि चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स सपोज इफ आई टेल यू दैट द पीएमएफ, पीएमएफ लिखो, द पीएमएफ ऑफ एस, द पीएमएफ ऑफ एस, कैपिटल एस इज पीएमएफ, इस पीएमएफ का मतलब इट्स अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन. 0.2 ले सकते हैं, 0.5 या 0.3, तो एस का वैल्यूज ये तीन हो सकते हैं खाली. ऑल राइट, एंड नहीं, सो ये प्रोबेबिलिटीज हैं. और लेट मी जस्ट राइट इट दिस वे कि एफ के वैल्यूज आपके हो सकते हैं 20, 50 एंड 100. दिस विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.2, दिस विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5 एंड दिस विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.3. ये चीज क्लियर है? सो बेसिकली एस का वैल्यू 20, 50 या 100 ही हो सकता है विद प्रोबेबिलिटी 0.2, 0.3 एंड 0.5. ठीक है, ये हो गया. अब आप लोगों ने पे ऑफ ऑफ कॉल ऑप्शन किया है, किया है ना? सो लेट्स सपोज इफ यू टेक द स्ट्राइक प्राइस, इफ यू टेक द स्ट्राइक प्राइस एज 40, ठीक है, तो पे ऑफ ऑफ कॉल ऑप्शन कैसे लिख सकते हैं हम लोग? जो हम लोग का पे ऑफ होगा कॉल ऑप्शन का, वो क्या होगा? मैक्सिमम ऑफ क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस माइनस, मतलब कॉल ऑप्शन, इफ यू गाइज रिमेम्बर कैसा होता था उसका पे ऑफ, इफ दिस इज के, उसका कैसा होता था पे ऑफ? ऐसा कुछ, मतलब गिवन अगर आप कुछ नेगेटिव कुछ उसका ले रहे हो, अगर आप कोई प्रीमियम नहीं ले रहे हो, तो समथिंग लाइक दिस, है ना? दिस इज द पे ऑफ एंड इफ यू कैलकुलेट द प्रॉफिटेबिलिटी देन इट गोज लाइक दिस, है ना? सो आप क्या करते हो, आप करते हो कि आपका पे ऑफ ऑफ कॉल ऑप्शन विल बी द शेयर प्राइस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. नहीं मत करो चेंज, नहीं मत करो चेंज, मत डिस्टर्ब करो क्लास में. एस माइनस 40.0, ठीक है. सो दिस विल बी द शेयर, दिस विल बी द पे ऑफ ऑफ द कॉल ऑप्शन. एस इज व्हाट, एस इज द स्ट्राइक प्राइस माइनस 40 व्हिच इज द शेयर प्राइस कॉमा 0. ये कुछ नहीं है, ये तुम लोग करोगे. मैं तुम लोग को बेसिक समझाती हूँ. तुम लोग को बेसिक कॉल ऑप्शन पता है ना? कॉल ऑप्शन का पे ऑफ कब होता है, जब शेयर प्राइस इज ग्रेटर देन. कॉल ऑप्शन का पे ऑफ होता है व्हेन द शेयर प्राइस, दिस इज योर एसटी, ठीक है, व्हेन एसटी इज ग्रेटर देन के. ठीक है, तो आपका जब आप एट टाइम ऑफ मेच्योरिटी आपका पे ऑफ कैसा दिखेगा, व्हाट विल बी द मनी व्हिच यू विल बी गेटिंग, दिस इज द मनी व्हिच यू विल बी गेटिंग. अब अगर आपका शेयर, हम लोग इन जनरल बोलते हैं दिस इज द पे ऑफ, बट अगर आपका एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी अगर आपका शेयर प्राइस के से छोटा है, तो आपके उस केस में कोई पे ऑफ नहीं होगा. हम लोग लेते सपोज ऐसा कंसिडर करें, ठीक है, तो उस केस में आपका ये जीरो रह जाएगा. तो जीरो रहने के लिए हम, अब फॉर एग्जाम्पल, या तो एस टी माइनस के, अगर एस टी के से छोटा है तो ये वाला पार्ट नेगेटिव आएगा, तो आई विल आई एग्जीक्यूट माई कॉल ऑप्शन, इट्स एन ऑप्शन राइट, आई विल नॉट एग्जीक्यूट, सो ये हो जाएगा मेरा जीरो.
सो मैक्सिमम ऑफ दीज टू आइदर एस सी माइनस के इफ के इज ग्रेटर देन एस. ठीक है, इफ लेट्स सपोज फॉर एग्जाम्पल सॉरी इफ एस इज ग्रेटर देन के, इफ दिस इज नेगेटिव मीनिंग आप इस रीजन में हो तो आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो जीरो. तो एक इक्वेशन के फॉर्म में अगर मेरे को लिखना पड़े पे ऑफ ऑफ कॉल ऑप्शन, दिस इज हाउ आई विल राइट इट. मैक्सिमम ऑफ एस टी, एस टी के बदले मैं एस सी लिख देती हूँ, एस टी इज द शेयर प्राइस माइनस के कॉमा जीरो. हमारे केस में के दिया हुआ है 40. ठीक है, और बोल दिया है कि आपका जो शेयर प्राइस होगा वो आइदर 20, 50 या 100 होगा. ठीक है, सो नाउ व्हाट कैन आई से, व्हाट कैन आई से अबाउट लेट्स सपोज आप लोगों को बनाना है माय एक्सपेक्टेड पे ऑफ. व्हाट इज माय एक्सपेक्टेड पे ऑफ, एक्सपेक्टेड पे ऑफ का क्या मतलब हुआ, एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस. तो इसका हम लोग अलग अलग जितने पॉसिबल हम लोग क्या करेंगे, सिंस दिस इज अ डिस्क्रीट केस, तो समेशन ऑफ सी एस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इक्वल्स टू एस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एस. तो अब हम लोग के कितने वैल्यूज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ सी एस होगा, इनफैक्ट हम लोग के कितने वैल्यूज ऑफ सी एस पॉसिबल है, ध्यान से सुनना. अगर शेयर प्राइस 20 है तो 20 माइनस 40 कॉमा जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. अगर शेयर प्राइस 20 है मतलब आप के पहले हो, या आपका के है 40 मतलब आप इधर हो, तो आपका एग्जीक्यूशन नहीं होगा मतलब वो जीरो हो गया. तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो इंटू 0.2 प्लस अगर आपका शेयर प्राइस 50 है तो पे ऑफ क्या होगा, 50 माइनस 40 इंटू उसका प्रोबेबिलिटी 0.5. एंड प्लस अगर आपका शेयर प्राइस 100 है सो 100 माइनस 40 इंटू उसका प्रोबेबिलिटी 0.3. सो कैलकुलेट कर लो. ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे, सो जस्ट बिकॉज की फास्टर कैलकुलेशन करना है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस आपको मैक्स फंक्शन लिख के भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा फिर. करोगे बाद में, बेसिक्स किया होगा ना, बेसिक्स का वीडियोस. ठीक है, कोई बात नहीं, स्टैट्स में नहीं है ये तुम लोग डेरिवेटिव्स में पढ़ोगे, करोगे. ऑल राइट, देख लो एक बार. यश, एनी डाउट, क्लियर, क्या आंसर आ रहा है? 23. ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव डन ऑलरेडी इन क्लास इज एक्सपेक्टेशन ऑफ. अगर मैं बोलू ए प्लस बी वाई प्लस सी वाई, तो ये क्या होगा, वाई इज अ वेरिएबल, ए प्लस बी एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई प्लस सी इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई. ये हमने ऑलरेडी किया है, ये वाला थ्योरम देख लो, ये हमने ऑलरेडी किया है. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज वॉट, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स नहीं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स विल बी अ कॉन्स्टेंट टर्म, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स विल बी अ कॉन्स्टेंट टर्म राइट. आप एक एक्सपेक्टेशन, जैसे यहाँ पे आप एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हो, कोई भी चीज का एक्सपेक्टेशन आप निकालोगे विल बी अ कॉन्स्टेंट टर्म. तो कॉन्स्टेंट टर्म का एक्सपेक्टेशन मतलब यहाँ पे मैंने E ऑफ ए करा, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो दिस विल ऑल्सो बी दिस. क्लियर, अगर थोड़ा मैं और इट्स नॉट ट्रिकी बट क्विकली अगर मैं दो तीन चीजें समझा दूं कि एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/x इज नॉट सेम एज राइटिंग 1/एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स. ऑब्वियसली इट्स नॉट द सेम राइट. आप 1/x का एक्सपेक्टेशन ले रहे हो मतलब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको आप या तो इंटीग्रेशन 1/x fx dx करके सॉल्व करोगे या तो समेशन करके सॉल्व करोगे, वॉट एवर इट इज. तो आप इसको
वन बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स नहीं लिख सकते, इट्स नॉट इक्वल टू दिस. या फिर और इफ आई से दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स जैसे मैंने लिखा इज अगेन दिस थिंग इज नॉट सेम एज राइटिंग दिस जी एक्स इज वॉट. लेट्स सपोज एक बार ध्यान दो, लेट्स सपोज जी एक्स को मैं बोलती हूँ ई टू द पावर एक्स होता है, ठीक है. लेट्स सपोज जी एक्स इज ई टू द पावर एक्स, तो इसका मैं एक्सपेक्टेशन निकाल रही हूँ, राइट. दिस ऑब्वियसली विल बी डिफरेंट देन सेइंग जी ऑफ, ये हो गया आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स, राइट. और दिस इज डिफरेंट देन सेइंग जी फंक्शन ऑफ दिस विच इज इक्वल टू ई टू द पावर दिस थिंग. देख लो इसको, इजी है ये सारी चीजें, जस्ट दैट समझाने के लिए थोड़ा ऐसा कुछ याद नहीं रखना इसमें. तो ये हो गया, राइट. दीज आर द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन, आप लोग लिख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ना एक जेंसन्स इनइक्वालिटी करते हैं. मतलब बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है. सो बेसिकली यू माइट हैव हर्ड अबाउट कॉनकेव फंक्शन एंड कॉन्वेक्स फंक्शन, राइट. सो इफ आई से दैट ऐसा कुछ, ठीक है. कॉन्वेक्स सा कॉन्वेक्स है और कौन सा कॉनकेव है, ये वाला कौन सा है? गलत, दिस इज कॉन्वेक्स एंड दिस इज कॉनकेव, ठीक है. तो इसमें हाउ टू फाइंड दैट एनी फंक्शन विच इज गिवन टू यू इज कॉन्वेक्स और कॉनकेव, हम लोग क्या करते हैं बेसिकली. लेट्स सपोज दिस थिंग दिस अह अह ठीक है. लेट्स सपोज इसको मैं बोलती हूँ दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ठीक है. एच एच इज अ फंक्शन, ठीक है. जी जी एक्स होता है वैसे, एच इज अ फंक्शन, तो फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेशन. एंड इसको हम बोल देते हैं अगेन फंक्शन ऑफ अनदर अनदर फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेशन, ठीक है. अब होता क्या है, इन ऑर्डर टू फाइंड वेदर इट्स अ कॉनकेव और अ कॉन्वेक्स, हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग एक इनइक्वालिटी यूज करते हैं. बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि डेरिवेटिव पे ऑफ जो होते हैं ना वो यूजली कॉन्वेक्स होते हैं, ठीक है, टू द प्राइस. तो अगर हम लोग को भी ये निकालना हो कि हम लोग का जो पे ऑफ डायग्राम है वो कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, वील यूज दिस इनइक्वालिटी, इसको लिख लो. वील से दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस फंक्शन इज ग्रेटर देन द फंक्शन ऑफ दिस एक्सपेक्टेशन, देन इट्स अ कॉन्वेक्स. या फिर इफ इट्स अ कॉनकेव तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब योर एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स विल बी लेस देन फंक्शन ऑफ द एक्सपेक्टेशन. तो ये जो मैंने बनाया ये फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेशन बनाया. अब इसी के बीच से मतलब आपका जो ये एक्सपेक्टेशन वाला लाइन है, अब अगेन एक्सपेक्टेशन ऑफ अ फंक्शन विल बी अ कॉन्स्टेंट लाइन विच यू विल बी गेटिंग, राइट. सो इट विल बी समथिंग लुकिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ, ठीक है. मतलब वो ऐसे टच होगा इसको. ठीक है. एंड दिस लाइन इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एच एक्स एंड दिस लाइन इज एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स. एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, कि एग्जाम्पल लेते हैं. सो लिखो
Suppose you play a game. Suppose you play a game in which you roll a die. In which you roll a die and receive the square of number rolled. And receive the square of number rolled. Number which is rolled. For example, अगर 2 आया तो आपको 4 मिलेगा, 3 आया तो आपको 9 मिलेगा. Let x represent, let x represent the die roll, मतलब 1 2 3 4 5 6 जो भी आपका आ रहा है. तो हम लोग का जो पे ऑफ फंक्शन है, let's say suppose fx is the pay off function, तो हम लोग का पे ऑफ फंक्शन कैसा दिखेगा? If x is the die roll, so what will be the function of the payoff? हाँ हाँ बोलो, सही बोल रहे हो. x square हो जाएगा, या फिर ऐसे लिख सकते हो, capitals भी फर्क नहीं पड़ता. So in this case, I want you all to tell me whether this function is a concave or a convex. तो हम लोग को क्या करना है, दो चीजें निकालनी है. एक हम लोग को निकालना है सबसे पहले तो expectation of x, ठीक है ना. अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स के कितने वैल्यूज पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 सारे वैल्यूज, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 एंड डिवाइडेड बाय 6 कितना आ रहा है, 3.5. वेरी गुड, 3.5 आ रहा है. अब ये जो आपका 3.5 आया, अब हम लोग को दो चीजें निकालनी है, एक ये निकालना है और एक ये निकालना है ना. सो लेट्स कैलकुलेट फर्स्ट आपका पहला वाला जो है एक्सपेक्टेशन ऑफ एफएक्स लिख दे रहे हैं जो भी, तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ व्हाट. वेरी गुड, एक्स स्क्वायर. तो इसका एक्सपेक्टेशन क्या आ रहा है निकाल के बताओ, 1 4, मतलब जो भी पे ऑफ उसका स्क्वायर ना, ये हम लोग कैसे निकालेंगे. अगर मैं इसको पहले ऐसे लिख के बताऊं, एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये डिस्क्रीट केस है, तो 1 + 4 9 16 25 and 36 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ रहा है. सिमिलरली फिर आपको फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा. ये वाला बोलो क्या आ रहा है, 1 6 ये हो रहा है. अब अगर मैं बोलू फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना है, विच इज व्हाट, ये आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या आया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज व्हाट, इट्स अ कॉन्स्टेंट राइट. क्या आ रहा है, 3.5. तो आपको खाली फंक्शन ऑफ एक्स मतलब 3.5 का स्क्वायर निकालना है, विच इज व्हाट, ट्वेल्व पॉइंट 25 आ रहे हैं. तो कौन सा बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ. मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ दिस
सो देयरफॉर दिस इज कॉन. देखो ये एक्सपेक्टेशन जब ग्रेटर होता है सो इट इज कॉन वेक्स. देखो यहां देखो, यहां देखो, ये आपका एक्सपेक्टेशन वाला लाइन है. तो जो एक्सपेक्टेशन वाला लाइन है अगर वो ऊपर है ना तो ऑब्वियसली, और यहां एक्सपेक्टेशन वाला लाइन अगर नीचे है तो वो गौरव. अगर एक्सपेक्टेशन वाला लाइन ऊपर है वो कॉन्वेक्स होगा, मतलब वो अगर बड़ा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ द फंक्शन शुड बी ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ इट्स एक्सपेक्टेशन. ठीक है. एंड अगर आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ द फंक्शन इज लेस देन फंक्शन ऑफ द एक्सपेक्टेशन देन इट विल बी कॉनकेव. क्लियर? देख लो. ठीक है. अब हाँ जनरली अब देखो नेक्स्ट हम लोगों ने मोमेंट्स करा था. जस्ट अ क्विक रिवीजन अगेन. सो म्यू हमने लिया था एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स. ठीक है. फर्स्ट मोमेंट सिग्मा स्क्वायर वाज द व्हाट सेंट्रल मोमेंट. दिस इज द सेकंड सेंट्रल मोमेंट जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स. ये करते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का, एक्चुअली मैंने गलत कर दिया, एक सेकेंड, इसका पूरे का स्क्वायर लेना पड़ता है ना. सो इफ यू रिमेम्बर इट वॉज समथिंग लाइक एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन. ठीक है. एंड इफ यू गाइज रिमेम्बर इसको हमने ब्रेक करके भी निकाला था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, वो हमने ब्रेक करके निकाला था. ठीक है. एनी वेज आई एम नॉट डूइंग दैट. स्क्यूनेस क्या था? थर्ड सेंट्रल मोमेंट. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल क्यूब डिवाइडेड बाय लेट्स टेक, डिवाइड नहीं करेंगे, लेट्स टेक कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. एक्चुअली इनका क्या है ना, बहुत बार आप लोग देखोगे कभी कभी ना ये स्क्यूनेस को एक्सपेक्टेशन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी बोलते हैं. मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को दे जस्ट कॉल इट एज स्क्यूनेस समटाइम्स. वो आपको समझ आ जाएगा कि इन्होंने कब क्या लिखा है, बट समटाइम्स दे मे रेफर. तो इफ यू ऑल रिमेम्बर हम लोग कैसे करते थे, डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर, कि सिग्मा या तो आप वेरिएंस टू दी पावर 1.5 लिखते हो. वेरिएंस इज व्हाट? एसडी का स्क्वायर इनटू 1.5 व्हिच इज गिविंग यू दिस 3 ओनली. ठीक है. अब एक और हम लोग यूज करते हैं व्हिच इज कर्टोसिस. नाउ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का किसी को बेनिफिट याद है कि हम लोग क्यों कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यूज करते थे रादर देन स्क्यूनेस? क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज कंपेरेबल. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको ऊपर नीचे दोनों क्यूब है, सो आपका क्या आएगा, ये यूनिट में आंसर आएगा. देयर विल बी नो, इट्स यूनिटलेस बेसिकली. एंड सो अगर आपके सपोज एक सेंटीमीटर, हमने सेंटीमीटर एंड मीटर का लिया था याद है कुछ हाइट का, तो उसका स्क्यूनेस निकाल रहे थे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा था. बट जब कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकाल रहे थे तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो बिकॉज वो सेम स्केल पे आ जाते हैं, सेम यूनिट पे आ जाते हैं, तो इट बिकम्स कंपेरेबल. ठीक है. सो दैट्स अ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. इसके बाद अगर नेक्स्ट हम लोग करेंगे फोर्थ सेंट्रल मोमेंट एंड हम लोग कर्टोसिस. नाउ कर्टोसिस में कर्टोसिस व्हिच इज द फोर्थ सेंट्रल मोमेंट ऐसे करते हैं, बट अगर हम लोग स्टैंडर्डाइज्ड कर्टोसिस निकाले सो स्टैंडर्डाइज्ड कर्टोसिस बिकम्स
डिवाइडेड बाय सिग्मा टू द पावर 4। ठीक है, ठीक करेंगे। सो कर्टोसिस में ये हम लोग यूजली इसमें देखते हैं कि वेदर हम लोग का जो टेल है वो थिन टेल्ड है या फैट टेल है, हम लोग का पीक का शेप कैसा है। ठीक है, सो बेसिकली इट इज सेंसिटिव टू लार्ज डिविएशंस। ठीक है, एंड इट कैन बी ऑफ आइदर साइन विच मेक्स इट यूजफुल फॉर एनालाइजिंग द चांस ऑफ ऑब्जर्विंग अ लार्ज रिटर्न ऑन अ आइदर साइड। सो जब आप क्या बोल रहे हो, आपके लॉन्ग टेल्स हैं, लॉन्ग टेल्स का मतलब है हाई वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वेरी लो वैल्यूज ऑफ एक्स, बोथ आर वेरी मच पॉसिबल, बट टेल्स आर नॉट लॉन्ग, इट्स शॉर्टर। ठीक है, तो उससे नॉट वेरी ह्यूज वैल्यूज ऑफ एक्स आर और नॉट वेरी हाई रिटर्न ऑन बोथ द साइड्स, स्टैंडर्ड डिविएशन कम हो जाता है एंड यू इट्स नॉट पॉसिबल। नाउ कर्टोसिस में यूजुअली हम लोग जब आगे जाके डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस एंड ऑल दैट, आई गेस तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है वो, तो जब वो पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हैवी टेल एंड थिन टेल का क्या रिलेशन है। सो अ वेरी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फाइनेंशियल रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन इज इट इज जनरली हैवी टेल्ड, मतलब ह्यूज रिटर्न्स और वेरी लो रिटर्न्स आर पॉसिबल मोर देन द नॉर्मल केस विच इज। ठीक है, तो एक काम करो, इसका हम लोग एक सेकेंड, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल तो आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है, सो आई वॉज ट्राइंग टू एक काम करो, लेट्स जस्ट क्विकली मेक दिस डायग्राम, क्योंकि आई थिंक आप लोग के सिलेबस में डिटेल्स में नहीं है, सो इसीलिए इट्स नॉट देयर। लेट्स जस्ट, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कर्टोसिस दैट वी स्टडी। ठीक है, एक होता है, लेट्स टेक समवॉट लाइक दिस। ठीक है, एक होगा अ लिटिल बिट, ठीक है,
एंड एक थोड़ा और पीक्ड होगा एंड दूर से आएगा एज एन फैट टेल्ड होगा. ये दीज आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स. सो सबसे पहले वाले को एक बार लिख लेते हैं डेफिनेशन. क्या बोलते हैं, सबसे पहले वाले को हम लोग लेप्टोकर्टिक बोलते हैं, LEP. दूसरे वाले को हम लोग मेसोकॉर्टिक बोलते हैं, सिंस इट्स इन बिटवीन. एंड तीसरे वाले को हम प्लैटोकॉर्टिक बोलते हैं, प्लैटी कॉर्टिक. बेसिकली कर्टोसिस डिस्क्राइब्स आपके टेल्स में कितने वैल्यूज हैं. सो इट इज अ मेजर ऑफ द टेल कि आपका फैटनेस ऑफ द टेल कैसा है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मेसोकॉर्टिक जो बीच वाला है, सो इट्स अ नॉर्मल, सिमिलर टू अ, दिस इज सिमिलर टू अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका जो पीक है वो इतना हाई नहीं है. एंड यू हैव वैल्यूज ऑफ मीडियम वैल्यूज ऑफ एक्सेस पॉसिबल. देन वी हैव प्लैटिकर्टिक विच इज यूजली नोन एज लेस नॉर्मल. ठीक है, लेस देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जिसका जो पीक है वो काफी ब्रॉड है. मोस्ट ऑफ द वैल्यूज आर रिसाइडिंग इन दिस, एक बार देख लो, मोस्ट ऑफ द वैल्यूज आर रिसाइडिंग इन दिस रीजन. इसके लार्ज वैल्यूज ऑफ एक्स पॉसिबल नहीं है, इट्स अ वेरी थिन टेल डिस्ट्रीब्यूशन. एंड मोस्ट ऑफ द वैल्यूज, इसका जो बेल शेप है, ठीक है, यू कैन सी कि मोस्ट ऑफ द वैल्यूज आर रिसाइडिंग इन दिस प्लेस. अगेन वेन वी टॉक अबाउट लेप्टोकॉर्टिक विच इज मोर देन द नॉर्मल, एज इन यू कैन सी दैट ये रेड वाला का वेरी हाई वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन बोथ द साइड आर पॉसिबल एंड ऑल्सो इट्स थिक टेल्ड. वेराज अगर उसका आप बेल शेप, उसका पीक देखो, सो पीक इज समवॉट वेरी, पीक इज नॉट वेरी हाई. ठीक है, तो पीक अगर नॉट वेरी हाई का क्या मीनिंग होता है कि आपका जो ये बीच के वैल्यूज है उसका प्रोबेबिलिटी, ये जो बीच के वैल्यूज है खाली वैल्यूज विच इज क्लोजर टू द मीन, उनका प्रोबेबिलिटी हाई है, बट ऑल्सो देर इज अ चांस ऑफ लार्जर डिविएशन. अगेन आई विल एक्सप्लेन, वैल्यूज विच आर क्लोज टू द मीन लाइक इन दिस रीजन, यू कैन से दैट इन दिस रीजन द चांसेस ऑफ योर प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई, राइट? इट्स वेरी वेरी हाई बींग इन दिस रीजन विच इज वेरी क्लोज. नाउ फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर शेयर प्राइस को ले, तो शेयर प्राइस जो स्टेबल शेयर होते हैं, ठीक है, तो उस उनमें रिटर्न, फॉर एग्जाम्पल आप एक्स एक्सिस पे रिटर्न प्लॉट कर रहे हो, तो रिटर्न बहुत ज्यादा जीरो से डिविएट नहीं होते इन, अगर आप डेली चेंज देख रहे हो, इफ यू आर कंसिडरिंग द डेली रिटर्न, तो डेली रिटर्न आपका बहुत ज्यादा नहीं होगा, इट विल बी समवॉट क्लोजर टू द 0% रिटर्न. ठीक है, वेर एज अगेन देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूज रिटर्न एज वेल, लाइक 10% 15% इफ देर इज सडन न्यूज हैपनिंग, तो उसका पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता है. बट एट द सेम टाइम आपका ये जो क्लोज टू जीरो रहने का है वो भी हाई है. सो इन दिस केस यूजली हम लोग देखेंगे, जब हम लोग रिटर्न का डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, वी टेक अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज इज मेसोकॉर्टिक. बट अदरवाइज इन रियालिटी इट्स नॉट सिमिलर टू मेसोकॉर्टिक, इट इज सिमिलर टू लेप्टोकॉर्टिक, जहां पे आपका मूवमेंट्स अराउंड जीरो इज वेरी हाई क्योंकि ऑन अ डेली बेसिस, एंड द लार्ज रिटर्न का पॉसिबिलिटी स्टिल एग्जिस्ट इन द मार्केट. ठीक है, सो कर्टोसिस इज मोस्टली टू आइडेंटिफाई द हैवीनेस ऑफ द टेल्स एंड ऑल्सो द पीक का साइज. ठीक है, बट मोस्टली वी टॉक अबाउट द हैवी टेल और लाइट टेल, दैट इज वॉट वी टॉक अबाउट. ठीक है, सो आई थिंक इसका हम ठीक है, तो मैंने आप लोग को वो दे दिया है फॉर्मूला, राइट? नाउ नेक्स्ट आफ्टर कर्टोसिस
आप लोगों को मैंने ट्रांसफॉर्मेशंस कराया था, याद है, मोमेंट एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. सो फॉर एग्जांपल, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इफ यू गाइस रिमेम्बर दिस. वाई इक्वल्स ए प्लस बी एक्स, रिमेम्बर? तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई था बी. और अगर मैं बोलू आप लोग को वेरिएंस निकालना है वाई का, सो इट वॉज बी स्क्वेर वेरियंस ऑफ एक्स, रिमेम्बर? याद है ये चीजें? या फिर अगर मैं आपको बोलू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई निकालो, तो बी इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स. हमने प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन भी किया था जहां पे वी वर डूइंग फॉर एग्जांपल, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स निकालना है, सो दिस इज नथिंग बट एफ एक्स, विच इज नथिंग बट माइनस इंफिनिटी टू एक्स, दिस थिंग. हाँ, सो दिस इज व्हाट यू आर इंटीग्रेटिंग एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी और वट एवर द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज टिल एक्स. सो अगर मैं डायग्रामेटिकली एक बार समझाऊं, लेट्स सपोज दिस इज माई डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एंड लेट्स सपोज यहां मैंने प्लॉट कर रखा है एक्स वैल्यूज एंड आपके वाई एक्सिस पे प्लॉटेड है पीडीएफ, ठीक है. अब मुझे यहां पे, लेट्स सपोज यहां पे एक एक्स का वैल्यू है, तो आपको क्या करना है, लोएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स से इस वैल्यू तक आप पूरा इसका एरिया निकालोगे. जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप इस पूरे रीजन का एरिया निकाल रहे हो, यस और नो? इस पूरे रीजन का आप एरिया निकाल रहे हो, देख लो. दिस इज सेइंग कि एफ एक्स, लेट्स सपोज 0 से एक्स, अगर 0 इज द लोएस्ट वैल्यू पॉसिबल, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं. या फिर तो ये जो हम लोग कर रहे हैं, कैन वी डू इट दिस वे, इसको हम लोग जब डिस्क्रीट फॉर्म में करते हैं, तो इसको डिस्क्रीट फॉर्म में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी डिवाइड दिस पार्ट इन टू स्मॉल सेक्शंस लाइक दिस, एंड दीज सेक्शंस आर ऑफ इक्वल साइज. सो लेट्स सपोज आपको यहीं तक करना था, ठीक है. सो व्हाट आर यू डूइंग, यू आर डिवाइडिंग दिस इन टू स्मॉल सेक्शंस. तो ये ऐसे आपके स्मॉल सेक्शंस हो गए ऑफ इक्वल विथ. नाउ डिपेंडिंग कि आपका ये जो सेक्शंस है ये कैसा साइज का होगा, अगर ये इतना आपको ब्रॉड लेना है, यू वांट टू कीप इट वेरी फाइन, सो यू विल टेक स्मॉल स्मॉल लाइक विथ. देखो एकदम स्मॉल विथ लिया मैंने, तो मल्टीपल वैल्यू. सो डू यू नीड अ कोर्स अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, डू यू नीड अ कोर्स अप्रोक्सीमेशन जो आपका ब्लू ब्लैक से किया मैंने, और डू यू नीड अ फाइन अप्रोक्सीमेशन, दैट डिपेंड्स कि आप कैसे उसको डील कर रहे हो. बट वॉट आर वी डूइंग, वी आर फाइंडिंग द एरिया अंडर दिस पीडीएफ कर्व, ठीक है, वी आर फाइंडिंग द एरिया अंडर दिस पीडीएफ कर्व. अगर जैसे इफ यू ऑल ऑल्सो रिमेम्बर, हमने क्लास में करा था, इफ दिस इज माई डिस्ट्रीब्यूशन, मुझे इन दोनों के बीच का एरिया चाहिए था. लेट्स सपोज मुझे चाहिए था प्रोबेबिलिटी दैट -1 से 3 के बीच का. सो लेट्स सपोज दिस इज -1 एंड दिस इज 3, रिमेम्बर हमने किया ये चीज, तो आपको पूरा ये एरिया चाहिए. सो व्हाट वर यू डूइंग, या तो आप इसको इंटीग्रेट कर रहे थे -1 से 3 के बीच में, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, दैट इज हाउ यू फाइंड द एरिया. और व्हाट यू कैन आल्सो डू इज यू कैन फाइंड प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू -1. दिस इज व्हाट यू कैन डू, व्हिच इज दिस पूरा पार्ट माइनस दिस. हाँ,
इक्वल टू वो मैटर नहीं करता क्योंकि कंटिन्यूअस अगर केस हम लोग ले लें, बट हाँ अगर हम लोग लेना चाहें तो हम लोग वो चीज कर सकते हैं. गॉट इट, देख लो. नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वांटाइल्स. सो व्हाट आर क्वांटाइल्स? सो क्वांटाइल्स डिवाइड योर क्वांटाइल्स डिवाइड योर डिस्ट्रीब्यूशन और द वैल्यूज इनटू, इट कट्स ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस इनटू इक्वल साइज्ड ब्रैकेट्स. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 50th क्वांटाइल निकालना है, 50th परसेंटाइल क्वांटाइल या फिर 50th क्वांटाइल, ठीक है? तो यूजुअली हम लोग क्वांटाइल्स में ना Q1, Q2 ये हमने किया है ना, Q4 लेते हैं, क्वांटाइल्स हमने पढ़ा है. तो आपका जो ये Q2 होता है ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करता है, राइट? सो ये आपका क्या हो जाता है, मीडियन. हम लोग इसको 50th परसेंटाइल वैल्यू भी बोलते हैं. सो वी कॉल इट एज परसेंटाइल, क्वांटाइल्स एंड परसेंटाइल्स, करेक्ट? सो परसेंटाइल का क्या मीनिंग हुआ, 50th परसेंटाइल? परसेंटाइल मतलब इन टर्म्स ऑफ 100. 50th परसेंटाइल मतलब 50/100, मतलब ये 0.5, हाफ हो गया. मतलब प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0.5. सो फॉर विच, एक बार ध्यान देना, फॉर विच वैल्यू ऑफ दिस एक्स, फॉर विच वैल्यू ऑफ दिस एक्स आर यू गेटिंग अ 0.5 वाला चीज, मतलब दिस इज द मीडियन. तो इसको हम लोग या तो वी कॉल दिस एज, या तो वी कॉल इट एज क्वांटाइल और वी कैन आल्सो कॉल इट एज परसेंटाइल, ठीक है? सो व्हाट इज अ क्वांटाइल एक्चुअली डूइंग? अगर हम लोग को ये एक्स का वैल्यू पता नहीं है, मेरे को ये एक्स का वैल्यू निकालना है, लेट्स सपोज फॉर एनी परसेंटाइल और एनी क्वांटाइल, तो इसको लेट्स सपोज आई एम टेकिंग अल्फा फॉर नाउ, इंस्टेड ऑफ 0.5 आई एम टेकिंग दिस एज अल्फा. तो ये मेरा क्या है, ये मेरा सीडीएफ है. अब मेरे को ये एक्स का वैल्यू चाहिए, सो आई विल डू इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड एंड दिस इज हाउ आई कैन कैलकुलेट. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एफ एक्स सीडीएफ का कोई भी फंक्शन गिवन है, तो लेट्स सपोज आपको सीडीएफ का कोई भी ऐसा कुछ फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन है सीडीएफ का, ठीक है? यूजली अगर गिवन रहता है ना, अगर गिवन है तो आप कैसे मेरे को 50th परसेंटाइल वैल्यू निकाल के बताओगे? सो व्हाट यू विल, यू आर बीइंग आस्क्ड टू डू इज यू नीड टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 0.5, एंड दिस इज, दिस फंक्शन इज व्हाट, 1 - e to the power -5 एक्स, ये तो ये फंक्शन है सीडीएफ वाला मेरे को. तो अब वही उसके टर्म्स में मैं अगर लिखना चाहूं तो ये आपका एफ एक्स हो गया और ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका 0.5 हो गया, ये आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, है ना? सो अगर उसको थोड़ा जनरलाइज करना चाहूं मैं, तो नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट एक्स, आप कैसे निकालोगे? 1 उधर चला जाए, ये उधर चला गया, उधर आ गया, तो 0.5 e to the power -5x, दोनों तरफ लॉग ले लो, तो ln ऑफ 0.5 माइनस डिवाइडेड बाय 5, दैट्स योर एक्स का वैल्यू. देख लो, दिस इज नोन एज इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. तो मैंने किया क्या, एक बार समझ लो, ये जो मैंने फंक्शन है, मैंने इसको अल्फा के टर्म्स में, आई हैव टेकन दिस आउट, एक बार देख लो, आई हैव टेकन दिस आउट इन टर्म्स ऑफ अल्फा, दिस इज इन टर्म्स ऑफ अल्फा ओनली, राइट? दिस इज इन टर्म्स ऑफ अल्फा ओनली एंड दिस इज व्हाट, इक्वल टू एक्स. सो यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ योर एक्स व्हिच इज द 50th परसेंटाइल और अल्फा परसेंटाइल, वॉट एवर. सो व्हाट इज अ क्वांटाइल और अ परसेंटाइल? दिस इज नथिंग बट एन इनवर्स फंक्शन ऑफ, वेन यू आर, एक बार ध्यान दो, वेन यू आर कैलकुलेटिंग एक्स विच इज वॉट, अ परसेंटाइल और अ क्वांटाइल इज नथिंग बट
inverse function of your CDF. So for example, if I tell you, CDF, that my CDF function looks something like this. ठीक है, ये मेरा CDF का लेट्स सपोज फंक्शन है. सो CDF का फंक्शन होने का क्या मतलब है? लेट्स सपोज यहाँ मेरे जीरो है, यहाँ टू है, यहाँ फोर है, माइनस टू, तो वैसे करके. तो इसका क्या मीनिंग होता है कि अगर मैं कोई भी इधर से, दीज आर एक्स वैल्यूज, ठीक है, अगर मैं इधर से कोई भी एक ऐसे लेके जाऊं, मतलब लेट्स सपोज दिस इज माई वन, तो उसका मेरे को क्या मिलेगा? ये CDF मिलेगा, ये CDF का वैल्यू मिलेगा मेरे को. अब मेरे को ध्यान से देखना, मेरे को CDF गिवन है 0.5, दिस इज नथिंग बट योर अल्फा यहां से, दिस इज नथिंग बट योर अल्फा, ये मेरे को गिवन है, मेरे को ये 1 निकालना है, विच इज माई एक्स, करेक्ट है? तो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में होगा क्या, आपका फंक्शन दिखेगा ये पूरा इनवर्स, मतलब मैं लेट्स सपोज इधर CDF प्लॉट कर रही हूं, मतलब एक्स और वाई एक्सिस को इंटरचेंज अगर मैं कर दू तो वो कुछ ऐसा दिखेगा. लेट्स मेक इट, मतलब ये जो फंक्शन है पूरा उल्टा हो गया ना, अब इधर एक्स आ गया और इधर ये, तो अब मतलब ये मे बी आपका जीरो है, ये ऐसा करके आपके वैल्यूज हैं 2, 4. तो अब आपको बेसिकली क्या होगा, यहां से जो आपका ऐसे 1 जा रहा है उसका आपको, मतलब आपको CDF गिवन है, दिस अल्फा और CDF इज गिवन, फॉर दैट यू नीड टू फाइंड आउट, दिस एक्स का वैल्यू. एक्स या फिर उसको हम लोग क्वांटाइल फंक्शन भी बोल सकते हैं या परसेंटाइल, ठीक है. ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग क्विकली, एक रिवीजन जो हमने ऑलरेडी कर रखा है पहले भी, तो व्हाट वाज अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लुकिंग लाइक? दिस इज योर मीन, दिस वाज योर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. What is asymmetric? Anything मतलब positively skewed या negatively skewed. So something like this is थोड़ा मुझे और अच्छे से बनाना पड़ेगा. Is तो positively skewed का मोन पहले कौन सा आता है? सबसे ऊपर क्या रहेगा? हमेशा मोड ना. मोड is what? Mode is the high value with the highest probability. Value with the highest probability, तो ये आपका मोड हो गया. And हमेशा बीच में होता है आपका median and then आपका mean. तो हमेशा याद रखना मोड इज द हाइएस्ट, तो वो ऊपर होगा सबसे. हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज किया था, Q3 माइनस Q1 किया था हमने when we were doing the quantiles. ठीक है, तो अगर मैं उसको एक डायग्राम पे क्विकली समझा दूं, सो लेट मी टेक दिस. सो फॉर एग्जांपल, ये सिमेट्रिकल मैंने बनाने का कोशिश किया है, तो यहां पे दिस रीजन लेट्स सपोज इज योर इंटर क्वार्टाइल रेंज, मतलब दिस इज Q1 माइनस Q3, ठीक है, या थोड़ा और ब्रॉड हो जाता है वो, ठीक है. And there is something called as, जैसे ये हो गया IQR versus, there is something called as 2 sigma. 2 sigma rule, sigma क्या होता है? Standard deviation. तो अगर मैं normal, standard normal distribution बनाऊं, तो ये आपका 0 है, हाँ,
जीरो होता है ना बीच से, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन याद, मतलब चलो लेट्स डू वन थिंग ऑल ऑफ यू, लेट्स डू वन थिंग। मान लो कि आपका मेन मीडियन मोड है बीच वाला पार्ट, तो ये जीरो है लेट्स सपोज। मैंने बोला है कि मीन जीरो है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन वन है, तो टू सिग्मा कैसे निकालेंगे, वन सिग्मा इधर और वन सिग्मा इधर। तो ये वाला जो पार्ट आ जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट आ जाएगा आपका ये हो जाएगा टू सिग्मा वाला पार्ट, मतलब वन सिग्मा इधर एंड वन सिग्मा इधर। तो इंटरक्वार्टाइल रेंज यूजली ब्रॉडर होता है कंपेयर टू टू सिग्मा। हाँ मतलब ये बेसिक थ्योरी आएगा ना तो उन लोग कहीं ना कहीं अप्लाई हो जाता है। एंड देर आर समथिंग कॉल्ड एज बाई मोडल मल्टी मोडल ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ क्या देख के पता चल रहा है कि यहाँ एक आपको दिख रहा है एंड यहाँ आपको एक पीक दिख रहा है, सो इसको हम लोग यूजली बाई मोडल बोलते हैं। मोडल क्या होता है, जहां पे आपका हाईएस्ट पीक है, और जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन का पीक निकालते हो आप उसको डिफ्रेंशिएट करते हो एंड इक्वेट करते हो जीरो से, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा एट दिस पॉइंट व्हेन यू डिफ्रेंशिएट द फंक्शन इट विल गिव यू द स्लोप एज जीरो, है ना, व्हेन यू डिफ्रेंशिएट इट गिव्स इट जीरो। तो ये दो आ रहे हैं वैसे जहां पे दो जीरोस आएंगे, सो व्हेन यू डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन विद टर्म्स ऑफ एक्स एंड जीरो से, तो आप देखोगे दो पॉइंट पे आपका, एक आपका x1 एंड एक आपका x2 पे आपको दो जगह जीरो मिलेगा। तो ये बाई मॉडल हुआ, मल्टी मॉडल मतलब दो से ज्यादा। तो ये होते हैं कुछ कुछ अलग पे ऑफ होते हैं जहां पे बाई मॉडल मल्टी मॉडल आपको मिलता है, ठीक है, अंडरस्टूड। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स।